दोस्तों, एक दामाद अपने ही सास के प्यार में इस कदर अंधा हो जाता है और वो अपने सास से संबंध बनाने के लिए वो परेशान हो जाता है। और एक दिन अपने सास को घर पे बुलाता है और अपने सास को ब्लैकमेल करता है, और इस कदर से ब्लैकमेल करता है कि उसकी जो सास होती है अपने दामाद के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। उसकी जो सास होती है वो सोचती है कि चलो एक दो बार ये शायद ऐसा करेगा, उसके बाद ये शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक दो बार संबंध बनाने के बाद भी उसका दामाद शांत नहीं होता है। उसे अपनी ही सास की लत लग जाती है, और ये लत इस कदर लगती है कि इसमें तीन तीन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है एक पारिवारिक कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का तब्बू इंडियन वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। जौनपुर के ही एक छोटे से गांव में रहने वाली एक औरत जिसका नाम होता है गीता। गीता जो होती है उसके परिवार में उसके पति के अलावा उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है काजल। दोस्तों, जो गीता का परिवार होता है वो बहुत ही गरीब परिवार होता है। दोस्तों, गीता के जो पति होते हैं वो एक कंपनी में होम गार्ड का काम कर रहे होते हैं, जहां उनको इतनी सैलरी मिलती थी जिससे वो अपने घर का गुजारा, अपनी बीवी और बेटी का गुजारा अच्छे से कर सके। दोस्तों, इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है। जो काजल होती है वो स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है, धीरे धीरे उसकी पढ़ाई भी कम्प्लीट हो जाती है। वक्त के साथ वो कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अब जो गीता होती है उसको अपनी बेटी की शादी की टेंशन होने लगती है। दोस्तों, जो गीता होती है उसकी शादी कम उम्र में हुई होती है। अब जिस तरह से उसकी बेटी बड़ी होती है, बेटी के साथ साथ गीता की उम्र भी ज्यादा नहीं हुई होती है। वो एकदम यंग होती है और जवान दिख रही होती है। गीता और उसकी बेटी काजल, ऐसा लगता था कि दोनों दीदी बहन हैं। लगता ही नहीं था कि गीता की बेटी काजल है, क्योंकि काजल से ज्यादा खूबसूरत और हॉट गीता दिख रही होती है, काजल की माँ। दोस्तों, जब भी गीता अपनी बेटी की स्कूल में जाती, पेरेंट्स मीटिंग में या फिर किसी तरह का प्रोग्राम होता, वहाँ पे जितने भी लोग होते देखकर दंग रह जाते और काजल से कहते कि काजल, ये तुम्हारी माँ है या फिर तुम्हारी बड़ी बहन है? तो जो काजल होती वो हंस के कहती कि नहीं पागल, ये मेरी माँ है। तो वो लोग भी कहते कि यार, तुम्हारी माँ तो कितनी यंग है और तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो जो काजल होती वो हंस कर कहती, हाँ मेरी माँ ऐसे ही है, मेरी माँ अपने बॉडी को मेंटेन करके रखती है और अपने सेहत का काफ़ी ख्याल रखती है। और जो भी देखते हैं बस वो लोग यही कहते हैं कि हम दोनों दीदी बहन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरी माँ है और मैं इनकी बेटी हूँ। दोस्तों, इसी तरह से उन लोगों की ज़िंदगी गुजर रही होती है। अब जो गीता होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, बेटी के लिए उनको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा होता है। कई जगह देखने के बाद एक जगह गीता को अच्छा रिश्ता मिलता है। वो लड़का जो होता है वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है। लड़का बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, जो लड़का काजल के लिए मिलता है उस लड़के का नाम होता है नितिन। नितिन एक संस्कारी लड़का होता है और बहुत ही अच्छा होता है। उस लड़के से काजल की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, जितनी हैसियत होती है गीता की, अपने हैसियत के मुताबिक अपने बेटी और दामाद को वो सारा सामान देती है दहेज का। अब बेटी को विदा कर देती है। जो काजल होती है वो अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों, जब काजल अपने ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद उस घर को वो समझने में बिजी हो जाती है। उस घर को समझ लेती है, अपने ससुराल वालों को समझने लगती है, उस घर के तौर तरीके को वो अच्छी तरह से समझ जाती है और अपने पति का भी ख्याल रखने लगती है। लेकिन दोस्तों, एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसे जो चाहिए होता है उसके पति का प्यार, उसके पति का सुख, वो काजल को नहीं मिल पा रहा था। जो काजल का पति था नितिन, वो काजल से ना ढंग से बात करता, ना उसकी तरफ देखता, ना उसकी तरफ सोता, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता था। अपनी बीवी से उसको कोई मतलब ही नहीं था। दोस्तों, अब जो काजल होती है वो परेशान हो जाती है कि आखिर मेरा पति मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, आखिर ऐसा क्या है, या दहेज देने में कोई कमी हुई है, या फिर मेरे माँ बाप से ही कोई गलती हुई है, या फिर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, जो काजल होती है वो हर रोज अब अपनी माँ को कॉल करके सारी बातें बताती है कि जो उसका पति है उससे ढंग से बातें नहीं करता है, शादी के बाद एक बार भी उसके साथ सोया नहीं है, ना उसकी
तरफ पलट के देखता है, ना सीधे मुंह बात करता है। जब कोई ज़रूरत होती है तभी टोकता है, वरना वो बात ही नहीं करता है, बस अपने काम से मतलब रखता है और शाम को जब घर आता है खाना खाकर सो जाता है। अब जो उसकी माँ होती है गीता, वो भी परेशान हो जाती है क्योंकि इकलौती बेटी होती है काजल। अब काजल की शादी कर दी थी, अब उनको ये लगा था कि उसकी बेटी का घर बस गया, अब वो अपने ससुराल में अच्छे से रह रही है। लेकिन जब उसकी बेटी की परेशानी का गीता सुनती है तो परेशान हो जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगी। अब परेशान होकर जो गीता होती है अपने दामाद को कॉल करती है और कहती है कि बेटा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जब आप अपने काम से फ्री हो जाएंगे तो आप घर आ जाएगा आधे घंटे के लिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात है। दोस्तों जो नितिन होता है वो कहता है कि ठीक है माँ जी, मैं जब काम से फ्री होऊंगा तब मैं आ जाऊंगा आपके घर, आप टेंशन ना लो। दोस्तों उसके फिर उसी दिन शाम को लगभग 5 बजे का वक्त होता है, जो नितिन होता है वो अपने ससुराल जाता है और जाकर बैठता है। जो उसकी सास होती है चाय नाश्ता का इंतज़ाम करती है। उसके बाद जो गीता होती है वो अपने दामाद से पूछती है कि बेटा ऐसी क्या बात है, आखिर हम लोगों से क्या गलती हुई है जो आप मेरी बेटी काजल से इस तरह का बर्ताव करते हो, उससे आप बातें नहीं करते हो, सही ढंग से उसके साथ बैठते नहीं हो, उसके साथ उठना बैठना नहीं है, सोना नहीं है, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप काजल से इस तरह का बर्ताव करते हो। दोस्तों जो नितिन होता है वहीं पर अपना रंग बदलने लगता है और उसके जो बात करने का लहजा होता है वो भी बदल जाता है। वो कहता है कि जब मैं आप दोनों को पहली बार देखा, काजल को भी देखा और आपको भी देखा, मुझे काजल पसंद नहीं आई, लेकिन जब मैं पहली बार आपको देखा पहली नज़र में ही मैं आपको पसंद करने लगा, और मुझे काजल नहीं मुझे आप पसंद हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर आप चाहती है कि आपकी बेटी काजल का घर बस जाए, मैं उसे अच्छे से रखूँ, वो खुश रहे ससुराल में, तो आपको मेरे साथ संबंध बनाने होंगे, आपको मेरे साथ सोना होगा। दोस्तों यह बात सुनकर जो गीता होती है वो एकदम से चौंक जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब गीता कहती है कि बेटा आप ये क्या कह रहे हो, आपको पता है मैं आपकी सास हूँ, रिश्ते में मैं आपकी सास लगती हूँ और सास माँ के बराबर होती है, सास माँ के समान होती है, आप ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं। दोस्तों जो नितिन होता है वो कहता है कि आप मेरी सास लगती हो, आप मेरी माँ के बराबर लगती हो, लेकिन आपने मुझे जन्म नहीं दिया है और ना ही आप मेरी सगी माँ हैं, तो ये सब रिश्ते बस कहने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको मंजूर है तो कहिए, वरना आपकी बेटी जैसे वहाँ रह रही है ससुराल में हमेशा वैसे ही रहेगी, मैं कभी उसे नहीं टच करूँगा, ना ही उससे मैं सीधे मुँह बात करूँगा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, बस लोगों के दिखाने के लिए वो मेरे घर में मेरी पत्नी बन के है, मैं उसको कभी भी पति का सुख नहीं दे सकता। अगर आपको मंजूर है मेरा डील, मेरी शर्तें मंजूर है तो कहिए, फिर आपकी बेटी की ज़िंदगी अच्छी खासी गुजरने लगेगी। दोस्तों जब गीता अपने दामाद की बातों में हामी भर देती है, अपने दामाद की शर्तों को वो मान लेती है, उसके बाद जो नितिन होता है गीता का दामाद अपनी सास को कमरे में लेकर जाता है, कमरे का दरवाज़ा लॉक करता है और लॉक करने के बाद अपनी सास को बिस्तर पर लिटा देता है, उसके तन से एक एक कपड़ा को हटा देता है। उस कपड़े को हटाने के बाद नितिन कहता है, मैं पहली ही नज़र में आपको यूं ही दिल नहीं दे बैठा, मैं पहली ही नज़र में आपको यूं ही पसंद नहीं कर बैठा, क्योंकि देखते ही मैंने आपको पसंद कर लिया था, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत और होड़ जो हो, और देखिए आपकी जवानी कितनी मदहोश है, चलिए आज मैं आपको पूरी तरह से गर्म करता हूँ, आपकी जवानी की जोश को ठंडा करता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो नितिन होता है अपनी सास के साथ खूब मस्ती करता है, संबंध बनाता है, दोनों अपनी जवानी के जोश को ठंडा कर रहा होता है। दोस्तों जब दोनों का संबंध बनाकर मन भर जाता है, दोनों का जो जोश होता है वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद दोनों अपने अपने कपड़े समेटते हैं, रूम से बाहर आते हैं और ठीक उसके आधे घंटे के बाद ही जो नितिन का ससुर होता है वो अपने ड्यूटी से घर आ जाता है। जब वो दामाद को अपने घर में देखता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे दामाद जी आप कब आए और किस लिए आए। तो नितिन कहता है कि कुछ नहीं पापा, बस माँ जी ने बुलाया था, कुछ काम था, बस वो काम हो गया, अब मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है, घर जाकर कुछ सामान वगैरह लाना है, और वहां से नितिन चला जाता है अपने घर। दोस्तों अब इस तरह से जो नितिन होता है उसे अपनी ही सास की लत लग चुकी होती है, और इधर जो गीता होती है उसे ये लगता है कि एक दो बार शायद नितिन उसके साथ संबंध बनाएगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा और इस तरह से जो उसकी बेटी है काजल उसका घर बस जाएगा, नितिन उसको पति का सुख देने लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब नितिन को जब भी मौका मिलता, जब वो अपने ऑफिस में होता, क्योंकि दोपहर के वक्त को नितिन के ससुराल में उसका ससुर नहीं हुआ करता था, वो अपने ड्यूटी पर ही रहा करता था,
था और नितिन के ससुराल में उसकी सास अकेले ही रहा करती थी। अब जब भी नितिन को वक्त मिलता दोपहर के टाइम में वो अपने ससुराल पहुंच जाया करता था बाइक से। अब अपनी सास के साथ वो रंगरलिया मनाया करता था, उसके साथ वो खूब संबंध बनाता, मस्ती करता, दोनों एक दूसरे की जिस्म की आग को वो ठंडा किया करता था। अब इसी तरह से ये जो सिलसिला होता है कई महीनों तक चलने लगता है। अब जो गीता होती है उसे भी अपने दामाद की लत लग चुकी होती है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती है, बस मजबूरी में आकर वो ऐसा करती है ताकि इससे उसकी बेटी का घर बस जाए। लेकिन इससे उसकी बेटी का घर बसता नहीं है, बल्कि उसकी बेटी का घर पूरी तरह से उजड़ जाता है। और दोस्तों कहते हैं ना कि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है। धीरे धीरे करके जो गीता के आजू बाजू के लोग होते हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं शक होने लगता है, लेकिन वो लोग कुछ कहते नहीं है। ऐसे ही एक दिन दोपहर का वक्त होता है, जो गीता के पति होते हैं वो ड्यूटी पर जाते हैं, वहाँ का जो मालिक होता है कंपनी के वो कहते हैं कि आपका आज काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाहर और कंपनी बंद करके जा रहा हूँ, तो आप ऐसा करिएगा कि दोपहर का जब वक्त होगा तब आप चले जाइएगा, क्योंकि उसके बाद से आपकी छुट्टी है, आप घर चले जाइए या फिर कहीं भी जाइए, लेकिन यहाँ पर आपकी ड्यूटी नहीं है दोपहर के बाद से। दोस्तों अब गीता के जो पति होते हैं वो क्या सोचते हैं कि इधर उधर जाने से अच्छा है कि घर ही चली जाओ, क्योंकि बहुत धूप होती है, दोपहर का वक्त होता है, गर्मी काफ़ी होती है। अब वो यही मन में ठान लेते हैं कि घर जाता हूँ, घर जाकर ही रेस्ट करूँगा। और उधर दोस्तों घर में जो नितिन होता है वो आ जाता है अपनी सास के साथ रंगरलिया मनाने के लिए। अब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं कमरे में, और इधर जो गीता के पति होते हैं वो घर पहुँचते हैं। दोस्तों अब जब गीता के जो पति होते हैं वो घर के अंदर जाते हैं और जब अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हैं, जो अंदर का नज़ारा वो देखते हैं, देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उनके पूरे बदन का खून खौलने लगता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। जब अपने दामाद और बीवी को इस तरह से नंगे अवस्था में देखते हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ लिपटे हुए देखते हैं, वहीं पर वो शोर मचाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। पहले तो अपने दामाद को मारते हैं, उसके बाद अपनी बीवी को खूब वहीं पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद अपनी बीवी को खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही दामाद के साथ तुम इस तरह की रंगरलियां मना रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारा ये दामाद है, तुम्हारी ही बेटी का ये पति है और तुम उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रही हो, अपने ही बेटी का घर तुम उजारने पर तुली हुई हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों जो गीता होती है वो पहले अपने आप को समेटती है, उसका जो दामाद होता है वहीं से उसी वक्त वो भाग जाता है। उसके बाद गीता पूरी कहानी बताती है कि वो क्यों अपने दामाद की बातों में हामी भरी और क्यों अपने दामाद के साथ वो संबंध बनाने के लिए रेडी हुई। दोस्तों यह सब सच्चाई सुनने के बाद जो गीता के पति होते हैं वो गीता से कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तुम यह बात पुलिस को जाकर बता सकती थी या फिर तुम मुझे बता सकती थी, तुम इस तरह का कदम उठाकर तुमने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी ही इज्जत तुमने उछाल दी। दोस्तों उसके बाद जो गीता के पति होते हैं वो थाने चले जाते हैं, थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अपने दामाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं नितिन के घर जाते हैं, नितिन को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं, और जब नितिन से पूछताछ की जाती है तो नितिन भी पूरी सच्चाई उगल देता है, पूरी बात बताता है। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं नितिन को सलाखों के पीछे भेज देते हैं, और जो इधर गीता के पति होते हैं गीता को घर लेकर आते हैं और उसे अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारा दामाद है, तुम्हारी ही बेटी का पति है। और दोस्तों जो गीता के पति होते हैं अपनी बेटी को ससुराल से ले आते हैं, अपने पास रखते हैं, और 6-7 महीने के बाद अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखते हैं और अपनी बेटी की वो दूसरी शादी करवा देते हैं। और इधर जो नितिन होता है वो सलाखों के पीछे सड़ रहा होता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मेरी पिछली कहानी में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। JS चौधरी द्वारिका दिल्ली से, सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा से, सुफियान खान, संजय कुमार, मोहम्मद जमाल अंसारी, आजम नेटवर्क, विजय नागर, सुनील शर्मा, संतोष कुमार, लाल जी शुक्ला, मोहन कुमार, इमरान मोहम्मद, शेख अब्दुल हाफिज अहमदनगर से, संजय कुमार, KP सिंह चंडीगढ़ से, दाऊद अली खान, जीत गिल, गोविंद कुमार,
साइलेश दीक्षित पीलीभीत से, राशिद अली फतेहपुर यूपी से, नसीमुद्दीन हमीरपुर यूपी से, शहाबुद्दीन यूपी से, नम्रता रसूल नीलगर अहमदाबाद गुजरात से, दीपचंद असलम खान शहाबुद्दीन महाराजगंज से, अख्तर खान रूबी खान बदाई यूपी से, रामा सिख मंडल प्रदीप यादव संजय भीमनगर, पंडित संजू विलक्षण साहू सऊदी अरब से, प्रफुल्ल दिवाकर कानपुर से, राशिद अली फतेहपुर, राजकुमार दलबारा सिंह पंजाब से, अब्दुल मन्नान अंसारी बिलासपुर बिजनौर यूपी से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी कहानी में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम और आपके राज्य का नाम अपनी वीडियो में ले सकूं। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।